बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students, hope you all are fine. We are discussing chapter number 1. Name of the chapter is periodic classification of elements and periodicity. I am going to start lecture number 16 from this chapter. Only one topic will be discussed in detail, that is why are negative ions larger than their respective atoms. So let's start. First of all, we see how negative ion is formed from the neutral atom. When a neutral atom gains one or more electrons, it becomes a negative ion. अब periodic table के अंदर जितने भी elements present है वो सारे के सारे neutral atoms हैं, क्योंकि उनके अंदर number of electrons equal है to the number of protons. Number of electrons shells में move करते हैं और protons न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एक न्यूट्रल के एटम के अंदर हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और हर एटम की ख्वाहिश होती है कि वो अपना आटोमिक शेल कंप्लीट करे, तो इस कंप्लीट करने की कोशिश में या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं. अब हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एटम्स जब अपने आटोमिक शेल के इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे भी हैं पीरियोडिक टेबल में, फॉर एग्जांपल 5A ग्रुप, 6A ग्रुप एंड 7A ग्रुप. इन ग्रुप्स के अंदर ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. अब जब भी एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा. अब 1 इलेक्ट्रॉन भी गेन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी गेन हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि पेरेंट एटम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. द साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीज्ड इन दिस प्रोसेस. जब नेगेटिव आयंस बनते हैं न्यूट्रल एटम से, तो इस सूरत में साइज एटम का हमेशा इंक्रीज करता है, यानी जो हमारे पास नेगेटिव आयन का साइज होगा वो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू द न्यूट्रल एटम. इसकी क्या रीजंस हैं, ये हम अपनी इस से जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें डिस्कस करेंगे. अब यहाँ 3 तरह के नेगेटिव आयंस का जिक्र है, मोनो नेगेटिव आयंस, डाई नेगेटिव आयंस और ट्राई नेगेटिव आयंस. अब मोनो नेगेटिव आयंस, मोनो का मतलब होता है 1, यानी कि ऐसे नेगेटिव आयंस जिनके ऊपर -1 चार्ज होगा, और ये उस वक्त बनते हैं न्यूट्रल एटम से जब देयर इज अ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. और पीरियोडिक टेबल के अंदर 7A ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उन्हें 1 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन उनके आउटरमोस्ट शेल में आएगा और उस पूरे ग्रुप जिनको हम हैलोजेंस कहते हैं उनके ऊपर -1 चार्ज डेवलप हो जाएगा. अब यहाँ पे सेकेंड आप देखें तो ये डाई है. डाई जैसा कि लफ्ज़ आपको बता रहा है कि इसका मतलब होता है 2. डाई नेगेटिव आयंस ऐसे आयंस जिनके ऊपर -2 चार्ज होगा, और ये उस वक्त बनते हैं व्हेन देयर इज अ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. और पीरियोडिक टेबल के अंदर 6A ग्रुप ऐसा है ऑक्सीजन वाला जिनके आटोमिक शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको आटोमिक शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेंगे और -2 चार्ज जो है उनके ऊपर आएगा. अब इसी तरह से देखिए आप, नेक्स्ट है ट्राई. ट्राई का मतलब होता है 3. तो ट्राई नेगेटिव आयंस ऐसे आयंस होंगे जिनके ऊपर -3 चार्ज होगा, और -3 चार्ज कब आता है व्हेन देयर इज अ गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन. और पीरियोडिक टेबल के अंदर 5A ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन वाला ऐसा ग्रुप है जिनके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनको अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 3 मजीद इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और उनके ऊपर -3 चार्ज आएगा. अब हम डिस्कस करते हैं उन रीजंस को, कौन सी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से नेगेटिव आयंस हमेशा लार्जर होते हैं साइज में न्यूट्रल एटम्स के मुकाबले में. तो फर्स्ट रीजन ये है कि नेगेटिव आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, सो दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन मोर देन द न्यूट्रल एटम. अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि न्यूट्रल एटम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन इस केस के अंदर जब हम नेगेटिव आयंस बना लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मुकाबले में, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे आउटरमोस्ट शेल में. जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, 1 ऐड हुआ, 2 हुए या 3 हुए, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ेगा, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है nucleus के अंदर that remain the same. The positive nuclear charge remain the same with the same attractive force. अब हमेशा positive charge that is present in the nucleus वो attract करता है उन electrons को जो कि उस nucleus के इर्द गिर्द move कर रहे हैं. अब जितने electrons होते हैं neutral atom के अंदर उतने ही protons होते हैं और उन protons उन electrons को attract करता है. लेकिन जब नेगेटिव आयंस बनता है तो सेम न्यूक्लियर चार्ज रहता है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो अब पहले जितनी रही रहेगी बल्कि कम हो जाएगी. पहले सेम अट्रैक्टिव फोर्स सेम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती थी, लेकिन अब वही अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा. हाउएवर दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नाउ पुलिंग ऑन मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर हैज लेस इफेक्ट. अब वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फर्ज करें हम ले लेते हैं 7A का कोई भी एलिमेंट, उनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 ही प्रोटॉन्स हैं, तो वो 7 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करते हैं उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स न्यूक्लियस. लेकिन जब हम वहीं से -1 आयंस बनाएंगे तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. अब वही न्यूक्लियर चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. अब अट्रैक्शन जो है उसका इम्पैक्ट पहले के निस्बत कम हो जाएगा. तो इस कम होने की वजह से हम कहेंगे कि हमेशा साइज बढ़ता है, यानी एक तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आने की वजह से सारे के सारे आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नेगेटिव चार्ज रखने की वजह से रिपेल कर रहे हैं, तो उस वजह से लिटिल बिट इंक्रीज होगा. सेकेंड, न्यूक्लियर जो चार्ज है उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होने की वजह से भी वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा सा आउटवर्ड पुल उनको होगा और वो अट्रैक्शन उस तरह से न्यूक्लियस की नहीं है, इसलिए साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है. लेकिन नेगेटिव आयंस में जो साइज इंक्रीज होता है वो पॉजिटिव आयंस के मुकाबले में थोड़ा कम है, उसमें तो एक शेल ही खत्म हो जाता है. यहाँ सेम शेल रहता है लेकिन इम्पैक्ट्स की वजह से हम कहते हैं कि नेगेटिव आयंस साइज में थोड़ा लार्जर हो जाता है. अब हम इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. अब पहले जो एग्जाम्पल है दैट इज From group 7A of the periodic table. Atom जो select किया है that is fluorine. अब fluorine periodic table में 7A group का पहला member है. इसके अंदर total 9 electrons present होते हैं. इसके electronic configuration है 2 and 7, यानी ये first shell है, इसमें पहले मदार में 2 electron है और दूसरे में 7. तो इसको अपना outermost shell complete करने के लिए only 1 electron is required. So there is a gain of 1 electron and becomes a anion. Anion का मतलब होता है ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम anion कहते हैं. अब देखें यहाँ पे ये जो पहला एटम है ये वाला, ये फ्लोरीन का न्यूट्रल एटम है. इसके न्यूक्लियस में अगर आप देखें तो टोटल +9 का मतलब है 9 प्रोटॉन प्रेजेंट है. अब ये इसका पहला मदार है, इसके पहले मदार में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अब इसका दूसरा मदार ये वाला मदार है, ये वाला मदार दूसरा मदार है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 2 4 हैं, ये 6 है और ये 1 इलेक्ट्रॉन है, 7. अब यहाँ पे एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है. अब नीचे देखें 9 ही इसके अंदर प्रोटॉन है, 9 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और नेट चार्ज कौन सा है, 0. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2, ये पहला शेल है और ये पूरे का पूरा दूसरा शेल है. अब दूसरे शेल में 2s2 2p5, अब काउंट करें तो ये 7 इलेक्ट्रॉन बनते हैं. ये फ्लोरीन का न्यूट्रल एटम है. जब हम इस न्यूट्रल एटम से एक एनाइन बनाते हैं फ्लोरीन का, तो अब सेम देखें 9 के 9 सेम प्रोटॉन इसके अंदर मौजूद हैं, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये सारे वो हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट थे. अब इन 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि इसने गेन किया है. अब इस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से हम इसको कहेंगे कि ये मोनोनेगेटिव आयन बन गया है और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. फ्लोरीन का सिंबल लिखते हैं और -1 लिखा जाता है. अब यहाँ पे देखें तो ये 9 प्रोटॉन प्रेजेंट है इसके अंदर. अब पहले यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10. 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया है. तो अब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, -1. तो अगर इस एटम का साइज इसके निस्बत बड़ा है तो उसकी रीज़न ही यही है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स थी वो कम हो गई है न्यूट्रल एटम के मुकाबले में इन आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. इसके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका पहला मदार है इसका दूसरा मदार है जो कि अब फेल्ड हो गया है, 2s2 और 2p6 यानी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। ये है ऑक्सीजन जो कि पीरियोडिक टेबल में 6a ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी 2 पहले मदार में, 6 इसकी दूसरे मदार में। अब इसमें देयर इज अ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम अ एनाइन यानी कि डाई नेगेटिव आइन ये बनेगा। अब यहाँ देखें ये ऑक्सीजन एटम है, सेम सेंटर में न्यूक्लियस है, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये यहाँ इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी शो की हुई है। यहाँ पे देखें ये पहला मदार है 1s2 और ये इसका दूसरा मदार है। अब अगर इसके दूसरे मदार में जो कि आखिरी मदार है, यहाँ पे देखें ये 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन कर सकता है। अब जब इससे हमने डाई नेगेटिव आयन बनाया तो यहाँ पे आप देखें ये न्यूक्लियस पहले में 2 और फिर इसके लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं इसलिए इसके ऊपर -2 चार्ज आ गया है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये 1s2 इसका फर्स्ट मदार और ये इसका सेकंड मदार। अब यहाँ पे देखें ये 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे ये 6, क्यों 6 हुआ, क्योंकि देयर इज अ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट एग्जांपल है दैट इज नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पीरियोडिक टेबल में 5a ग्रुप से बिलोंग करता है। अब इनके अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है पहले मदार में 2 और दूसरे मदार में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें क्योंकि 5 हैं और 8 होंगे तो इसका ऑटोमोटिव शेल कंप्लीट होगा, सो देयर इज अ गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स और इट बिकम्स अ ट्राई नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे देखें मजीद क्लियर हो जाएगा, ये नाइट्रोजन एटम है, कितने प्रोटॉन है 7, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। और जहाँ भी वेकेंट स्पेस प्रेजेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके पेयर बना के इस एटम को स्टेबल कर सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, वहाँ ये रेड सर्कल लगाए हुए हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 पहला मदार, 2s2 और 2p3। अब यहाँ पे देखें ग्रीन कलर के डॉट देख गए हैं आपको, यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल हैं जो कि यहाँ पे आए हैं, ऐड हुए हैं। अब इसमें प्रोटॉन रिमेन द सेम लेकिन इलेक्ट्रॉन 7 थे, अब कितने हो गए 10 हो गए। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब चेंज हो गई है, पहला मदार सेम है, ये आखिरी मदार में हमेशा चेंज आता है। अब यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ कितने हो गए 6, बाकी 3 कहाँ से आए हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान देयर इज अ गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। जी अब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि किस तरह से साइज जो है वो इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे आप देखें ये एक लाइन आपको नजर आ रही है ग्राफ में, ये न्यूट्रल एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही है उनके एटॉमिक साइज को। 7 एक ग्रुप है, मसलन फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। जब इनसे एनाइन बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है इन्हीं एटम्स के एनाइंस को। अब ये फ्लोरीन आयन है, ये क्लोरीन आयन है, ये ब्रोमीन आयन है और ये आयोडीन आयन है। जब हम इनको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट करें फ्लोरीन को तो आप ग्राफ में देखें अगर हम इसको इससे मिलाएं तो ये तकरीबन 71 बनता है इसका ना एटॉमिक साइज। लेकिन जब हम इससे एनाइनिक साइज बनाएंगे तो वो देखें यहाँ पे अब देयर इज अ इंक्रीज और कितना है ये तकरीबन 119 के करीब होता है। इसी तरह से क्लोरीन का कंपेयर कर लेते हैं, क्लोरीन का तकरीबन 99 पीएम होता है। लेकिन जब हम इसी क्लोरीन से जब इसका क्लोराइड आयन बना उसका कंपेयर करें तो ये तकरीबन 167 के करीब बनता है। तो इस ग्राफ से बाकियों का भी सेम होगा, आप इस ग्राफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटॉमिक जो रेडियस है वो जब एनाइन बनता है तो कितना और किस तरह से इंक्रीज करता है। जी अब यहाँ पे हम बॉल्स बना के एटम्स के बॉल्स बना के भी इसके एटॉमिक साइज और एनाइनिक साइज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो ग्रुप है 16 दैट इज 6a ग्रुप। अब इस साइड पे जो अंदर ग्रे कलर की बॉल है ये रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीजन एटम को। अब इसका कितना है जी एटॉमिक साइज दैट इज 73 पीएम। अब यहाँ पे जब इसी ऑक्सीजन से देयर इज अ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये जो ब्लू कलर का सर्कल है बाहर दैट रिप्रेजेंट करता है ऑक्साइड आयन को और इसका साइज कितना है 126। अब सेम आप इसको नीचे भी देख लें, यहाँ पे भी 102 था सल्फर एटम का और जब सल्फाइड आयन बना तो 170 पीएम हो गया। इसी तरह से सेलेनियम है, ट्यूलोरियम है। जब हम 7A ग्रुप की बात करते हैं हैलोजेंस की भी, तो इसमें भी आप नोट करें कि अंदर वाला सर्कल फ्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट करता है और बाहर वाला फ्लोराइड आयन को। तो अंदर देखें तो इसका 71 है, लेकिन जब आयन फॉर्मेशन होगी तो दैट इज इंक्रीज टू 190। इधर ये 99 है, दैट इज इंक्रीज टू 167, और ये 114 है, दैट इज इंक्रीज टू 1। यानी कि नेगेटिव आयन फॉर्मेशन के दौरान हमेशा जब आयन बनेगा तो वो न्यूट्रल एटम से साइज में बड़ा होगा, इंक्रीज इन साइज होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।